सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने जो है वो हनुमान जी की सीरीज स्टार्ट करी थी और उसका पहला पार्ट जो है वो मैंने अपलोड कर दिया था, और ये जो वीडियो होने वाली है वो सीरीज़ का पार्ट 2 होने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सीरीज़ और आवाज़ जो है वो पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको सीरीज़ और आवाज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ हेडफोन्स अपने जो हैं वो पहन लें, और अगर हेडफोन्स नहीं हैं तो ईयरफोन्स तो होंगे यार, ईयरफोन्स वगैरह तो आजकल सभी के पास होते हैं, मेरे पास भी हैं। बहुत महंगे लिए थे मैंने, 30 रुपये के, जिसमें से एक साइड जो है वो ख़राब हो चुका है। यार मैं पता नहीं क्या बोलने लगता हूँ बीच बीच में। तो खैर चलिए, मुझे उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि अब पार्ट 2 शुरू हो रहा है। दस साल बीत चुके थे, प्रभास उस गुरुकुल में वापस नहीं लौटा था। 10 सालों में काफी कुछ बदल गया था, आनंद काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। आनंद गुरुकुल में बैठा हुआ था और तभी अचानक से एक शिष्य वहां पर आया और उसने आनंद से कहा, भ्राता भ्राता सुनिए। और फिर आनंद ने अपनी आंखें खोली और कहा, क्या हुआ? जिसके जवाब में उस शिष्य ने कहा, भ्राता गुरुजी की तबीयत थोड़ी खराब है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। और फिर आनंद ने कहा, क्या गुरुजी की तबीयत खराब है? मैं आता हूँ। आनंद तुरंत गुरुजी के कमरे में गया जहाँ पर गुरुजी लेटे हुए थे, और जैसे ही उन्होंने आनंद को देखा तो उन्होंने कहा, आनंद तुम आ गए, आओ बैठो यहाँ पर। और फिर आनंद वहीं पर अपने गुरुजी के पैरों के पास बैठ गया और उसने अपने गुरुजी से कहा, बोलिए गुरुजी, आखिर क्या हुआ है आपको, आपकी तबीयत खराब है? और फिर गुरुजी ने कहा, तबीयत खराब का तो पता नहीं, लेकिन शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। और जैसे ही ये बात आनंद ने सुनी तब आनंद ने कहा, गुरुजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप ऐसा मत बोलिए, आप ऐसा बोलेंगे तो मैं तो टूट जाऊंगा, मेरे पिता तो आप ही हैं, मैंने अपने असली माता पिता को तो आज तक देखा ही नहीं, ना उनके बारे में मुझे कुछ पता है, बचपन से लेकर आज तक आपने ही मुझे पाला पोसा है, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं, और आप ऐसी बातें करेंगे तो मेरा क्या होगा? और फिर गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, मैं जानता हूँ तुम मेरी बहुत इज्जत करते हो और मुझे अपना पिता समझते हो, लेकिन जीवन का कड़वा सत्य यही है कि आपके दिल के पास कोई कितना भी हो, उसे आपसे दूर एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है, और यही इस दुनिया का नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता, और शायद मेरा भी अंतिम समय आ गया है, और मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज़्यादा दिनों तक जीवित रह पाऊँगा, इसलिए मैं तुम्हें इस गुरुकुल की जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और जैसे ही ये बात आनंद ने सुनी तब आनंद ने कहा, क्या आप इस पूरे गुरुकुल की जिम्मेदारी मुझे सौंप रहे हैं? लेकिन मैं तो आपके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, मैं इस गुरुकुल को कैसे संभाल पाऊँगा, इतने सारे शिष्य हैं, सबको कैसे उचित शिक्षा दे पाऊंगा? और फिर गुरुजी ने कहा, शुरुआत में जब मेरे गुरुजी ने मुझे इस गुरुकुल की जिम्मेदारी सौंपी थी तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ, क्योंकि मेरे अलावा कोई भी नहीं था जो इस गुरुकुल की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठा पाता, और अब मेरा अंतिम समय आ गया है, और अभी तुम्हारे अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो इस गुरुकुल की जिम्मेदारियों को उठा पाएगा,
इसलिए मैं चाहता हूँ कि गुरुकुल की सारी जिम्मेदारियाँ तुम अपने कंधे पर उठाओ, ताकि मैं बेफिक्र होकर अपनी आखिरी सांसें गिन सकूं। आनंद अपने आप को रोक नहीं पाया और वो फूट फूट कर रोने लगा। और फिर गुरुजी ने कहा, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम रोगे नहीं, तुम मेरे सबसे बहादुर शिष्य हो और मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। आनंद ने अपने आंसू पोंछे और फिर उसने कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं, अगर आपको मुझसे इतनी उम्मीदें हैं तो मैं आपकी उम्मीदें टूटने नहीं दूंगा। मैं गुरुकुल की सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगा और यहाँ पर आने वाले हर शिष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। और जैसे ही ये बात गुरुजी ने सुनी तो उनके चेहरे पर मुस्कान आई और फिर उन्होंने कहा, आज से तुम यहाँ के नए गुरु हो। आनंद और उसके गुरुजी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से वहाँ की जो ज़मीन थी वो हिलने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही ज़्यादा भयानक भूकंप आया है। कमरे के अंदर एक शिष्य ने आकर कहा, गुरुवर भ्राताश्री अनर्थ हो गया है। आनंद उठा और आनंद ने पूछा, क्या हुआ है, तुम इतना घबराए क्यों हो? जिसके जवाब में उसे शिष्य ने कहा, भ्राताश्री अनर्थ हो गया है, किसी ने गुरुकुल पर आक्रमण कर दिया है और वो जो कोई भी है उसकी सेना बहुत ही ज़्यादा विशालकाय है और वो पूरे राज्य पर कब्जा करता हुआ गुरुकुल की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे ही ये बात आनंद ने सुनी तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और उसने कहा, क्या कोई विशालकाय सेना लेकर यहाँ गुरुकुल पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है और उसने राज्य पर भी कब्जा कर लिया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, राजा ने और उसकी सेना ने उसे रोका नहीं? और फिर उस शिष्य ने कहा, पता नहीं भ्राताश्री, लेकिन सुनने में तो ये आ रहा है कि राजा और उसकी पूरी सेना को समाप्त कर दिया गया है। और जैसे ही ये बात आनंद ने सुनी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वहाँ पर जो गुरुजी बैठे हुए थे उनके चेहरे पर भी चिंता झलकने लगी। उन्होंने कहा, आनंद आनंद, शिष्य को तैयार करो, जितने भी शिष्य हैं सबको तैयार करो, हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा। आक्रमण करने की तैयारी करो, वो हम पर हमला करें उससे पहले हमें उन पर हमला करना पड़ेगा। और फिर आनंद ने कहा, गुरुजी आप युद्ध में नहीं आएंगे, मैं और बाकी लोग युद्ध में हिस्सा लेंगे, आप नहीं। आपकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और मैं इस हालत में आपको युद्ध में जाने नहीं दे सकता। और फिर वो जो गुरुजी थे उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से ये शिष्य घबराया हुआ है और ये बता रहा है कि उसने राजा और उसकी पूरी सेना को ख़त्म कर दिया है, उस हिसाब से वो कोई आम सेना नहीं होगी, उससे लड़ने के लिए तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी और मैं यहाँ पर ऐसे लेटा नहीं रह सकता। और फिर आनंद ने कहा, गुरुजी मैं आपसे एक शिष्य के नाते नहीं, एक बेटे के नाते कह रहा हूँ, मुझे आपकी बहुत फिक्र है, मैं नहीं चाहता कि कुछ भी उल्टा सीधा हो, इसलिए आप यहीं पर रहिए, आपको मुझ पर भरोसा है ना, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन इस गुरुकुल की रक्षा करूँगा, समझे आप? और वैसे भी आपने सारी जिम्मेदारी अब मुझे सौंप दी है तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी आखिरी सांस तक यहाँ की रक्षा करूँगा। तभी वहाँ की ज़मीन फिर से हिलने लगी और बाहर से मार काट की आवाज़ें आने लगी। आनंद ने सारे शिष्यों को इकट्ठा किया और सबसे कहा, मेरे सभी भाइयों ध्यान से सुनो, गुरुवर ने आज से मुझे इस गुरुकुल की सारी जिम्मेदारियाँ सौंप दी है और अभी हमारे गुरुकुल पर हमला होने वाला है, हमें अपने गुरुकुल की रक्षा करनी होगी। राजा और उसकी सेना समाप्त हो चुके हैं और अब हम ही हैं जो हमारे गुरुकुल को बचा सकते हैं, क्या आप सभी युद्ध करने के लिए तैयार हैं? और फिर सारे शिष्यों ने एक साथ बोला, हाँ हम तैयार हैं। और फिर आनंद ने कहा, मुझे पता था, अपने सारे शस्त्र उठा लो, जितने भी शस्त्र हैं उठा कर चलो लड़ने के लिए।
सबने अपने शस्त्र उठाए और हर कोई गुरुकुल के बाहर जाकर खड़ा हो गया। और तभी सामने से एक विशाल काय सेना आई जिसके अंदर लाखों सैनिक थे और एक बड़ा सा हाथी जिसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था। गुरुकुल के सारे शिष्य और वो विशाल काय सेना आमने सामने आ गई और फिर उस हाथी पर बैठे सेनापति ने कहा, ठीक से जवान हुए नहीं हो और आ गए हो हमारे मार्ग में। अच्छा यही होगा कि तुम सब यहां से चले जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। और फिर जैसे ही ये बात आनंद ने सुनी तब आनंद ने कहा, अंजाम अच्छा हो या बुरा हो उसकी हमें कोई परवाह नहीं है, हमें सिर्फ हमारे गुरुकुल की रक्षा करनी है और वो हम किसी भी हालत में करके रहेंगे। और जैसे ही ये बात उस सेना के सेनापति ने सुनी तब उसने हंसते हुए कहा, क्या तुम गिनती के शिष्य मेरी इतनी विशाल काय सेना को चुनौती दे रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो घास चरने गया है? तुम्हें अंदाजा भी है मेरी सेना कितनी ज्यादा ताकतवर है? पल भर में मारे जाओगे, मैं तुम पर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। तुम उस लायक ही नहीं हो कि मेरी सेना तुम पर हमला करे। जाओ हटो रास्ते से, मैं तुम्हें तुम्हारे प्राण भीख में देता हूं। और फिर आनंद ने जब ये बात सुनी तब आनंद ने कहा, माफ करिएगा लेकिन हमें भीख में कुछ भी लेने की आदत नहीं है, आक्रमण करो। और जैसे ही आनंद ने ये बात कही तो जितने भी गुरुकुल के शिष्य थे वो सब अपने शस्त्र लेकर उस बड़ी सी सेना पर टूट पड़े। और फिर उस सेनापति ने भी आक्रमण करने का हुक्म दिया और वो जो विशालकाय सेना थी वो भी उन गुरुकुल के शिष्यों पर टूट पड़ी। वो गुरुकुल के जितने भी शिष्य थे सब युद्ध कला में काफ़ी ज़्यादा माहिर थे, वो बचपन से ही युद्ध कलाओं को सीखते आ रहे थे जिसकी वजह से वो काफ़ी आसानी से सैनिकों को मार रहे थे। कुछ ही देर में वहाँ की जो धरती थी वो खून से लाल हो गई, वहाँ काफ़ी ज़्यादा खून बहा था, काफ़ी सैनिक मारे गए थे और गुरुकुल के काफ़ी शिष्य घायल हो गए थे, हर कोई खून से लथपथ था लेकिन कोई हार नहीं मानना चाहता था। जब काफ़ी देर युद्ध लड़ने के बाद भी वो जो सेना का सेनापति था उसे विजय हासिल नहीं हुई तब उसने गुस्से में कहा, अब बस बहुत हुआ, खत्म करो इन्हें। पहले तो मैंने सोचा था कि ये रास्ते से हट जाएंगे लेकिन ये ऐसे नहीं मारने वाले। उस सेना में काफ़ी हाथी भी थे और उस सेनापति ने सारे हाथियों को आक्रमण करने का आदेश दिया और सारे महावत हाथी लेकर निकल पड़े। वो जितने भी हाथी थे वो सब गुरुकुल के शिष्यों को मारने लगे और एक एक करके शिष्यों की मौत होने लगी। लेकिन वहाँ पर जितने भी शिष्य थे किसी को भी मौत से डर नहीं लग रहा था, वो सब हाथियों से लड़ रहे थे बिना अपनी जान की परवाह किए। आनंद भी अपनी पूरी जान लगाकर लड़ रहा था और लड़ते लड़ते उसने सेनापति की ओर देखा। सेनापति एक बहुत बड़े हाथी पर बैठा हुआ था और वो युद्ध का मज़ा ले रहा था। और मौका पाते ही आनंद ने उस सेनापति को मारने के लिए चढ़ाई शुरू कर दी और उस हाथी को चकमा देते हुए वो सीधा उस सेनापति के ऊपर टूट पड़ा और उसने बिना कोई देर किए उस सेनापति के सर को धड़ से अलग कर दिया। वो सेनापति कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई और उसकी जो लाश थी वो हाथी से सीधा नीचे ज़मीन पर धड़ाम से गिरी। और ये देखकर वो जितने भी सैनिक थे वो सब डर गए। अपने सेनापति की मृत्यु के बाद उनका जो मनोबल था वो टूट गया और वो सब वहाँ से भागने लगे। आखिर में गुरुकुल के बचे खुचे शिष्य खून से लथपथ पड़े हुए थे। आनंद को भी काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी और उसकी भी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। सारे शिष्य मिलकर एक दूसरे का इलाज करने लगे। आनंद घायल हालत में वहाँ अपने गुरुजी के कक्ष में आया और जब गुरुजी ने आनंद को इतना घायल देखा तो उन्होंने कहा,
तुम्हें तो काफी चोट लग गई है, तुम्हें इलाज की जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए औषधि तैयार करता हूँ। और फिर आनंद ने कहा, नहीं गुरुजी, आप तकलीफ मत उठाइए, मैं खुद सब कुछ कर लूँगा। मुझे बस एक ही चिंता खाए जा रही है, इस बार तो हमने उस सेना को भगा दिया, लेकिन मुझे पता है वो फिर से आक्रमण करने आएंगे। न जाने कब तक मैं और बाकी शिष्य इस गुरुकुल को बचा पाएंगे। और फिर वो जो गुरुजी थे, उन्होंने कहा, युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, तुम्हारे हिस्से में जीत आए या हार आए, ये मायने नहीं रखता। तुम युद्ध में अपना 100% देकर लड़े या नहीं लड़े, ये मायने रखता है। भी रणभूमि में हारने से अच्छा वहां लड़ते लड़ते शहीद हो जाना है, समझे? उसके बाद गुरुकुल का क्या होगा या फिर मेरा क्या होगा, उसकी चिंता तुम मत करो। तुमने सिर्फ अपना कर्म कर दिया, तुम पूरी बहादुरी के साथ लड़े, बस उतना काफी है। बाकी ऊपर वाला है, वो सब देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो बचे खुचे सैनिक थे, वो राजा के पास गए। और फिर वहां के राजा ने पूछा, तो बताओ, जिस वन पर मैंने तुम्हें कब्जा करने के लिए भेजा था, क्या तुमने उस पूरे वन को अपने कब्जे में ले लिया है? और फिर एक सैनिक ने कहा, महाराज माफ करिएगा, हम पूरे वन पर कब्जा नहीं कर पाए। और फिर राजा ने पूछा, क्या तुम पूरे वन पर कब्जा नहीं कर पाए? ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी विशालकाय सेना थी, हाथी भी तुम्हारे पास थे, तो तुम वन पर कब्जा नहीं कर पाए, ये तो असंभव लगता है। और फिर उस सैनिक ने कहा, महाराज माफ करिएगा, लेकिन जब हम उस वन पर कब्जा कर रहे थे, तभी अचानक से रास्ते में एक गुरुकुल आ गया, और वहाँ के जितने भी शिष्य थे वो सब युद्ध करने के लिए आ गए, और उनका जो प्रतिनिधि था, जो कि युद्ध कर रहा था, उसने हमारे सेनापति को जान से मार दिया, और हम सभी वहाँ से भाग गए, क्योंकि बिना सेनापति के हम क्या ही करते युद्ध में। और जैसे ही ये बात राजा ने सुनी, तब उसने कहा, क्या सेनापति मारा गया? वो तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हाथी के ऊपर बैठ कर गया था, फिर भी मारा गया। हाँ, बात कुछ हजम नहीं हो रही। कोई बात नहीं, अब मैं युद्ध करने जा रहा हूँ। अरे मंत्री जी, मेरी बात सुनिए ज़रा। और फिर उस राजा का जो मंत्री था, उसने कहा, जी महाराज हुक्म करिए। ये जितने भी सैनिक हैं जो कि आए हैं वापस लौट कर, जो भी घायल हैं या फिर कुछ भी है, उन्हें ज़रा मौत के घाट उतार दिया जाए। और जैसे ही ये बात सेना ने और उस मंत्री ने सुनी, तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, और उस मंत्री ने कहा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी सेना को आप मौत के घाट उतारने के लिए कह रहे हैं? और फिर उस राजा ने कहा, मंत्री जी, क्या आपको पता नहीं है, मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग जाते हैं। मुझे भगोड़े बिल्कुल पसंद नहीं, और भगोड़ों की हमारी सेना में कोई जरूरत नहीं है। एक सीधा सा सिद्धांत है मेरा, या तो युद्ध जीतो या तो युद्ध में मरो, हारने का कोई विकल्प नहीं रखता मैं। एक दूसरी सेना को तैयार किया जाए, और ये जितने भी हैं इन्हें ले जाओ। वो जितने भी सैनिक थे वो राजा के पैर पकड़ने लगे, और उन्होंने कहा, हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमें पता नहीं था, इस बार हम अपनी पूरी जी जान लगाकर लड़ेंगे, और इस बार अगर हमें युद्ध क्षेत्र में अपनी जान भी गंवानी पड़ी तो अब बिल्कुल भी हिचकेंगे नहीं। महाराज हमें क्षमा कर दें, हमें क्षमा कर दें। और फिर उस राजा ने कहा,
चलो ठीक है, आखिरी मौका दिया, मेरे साथ युद्ध क्षेत्र में चलो। और कोई भी युद्ध क्षेत्र छोड़कर भागा तो उसका अंजाम सोच लेना पहले, बहुत बुरा होगा। आनंद के जख्मों पर औषधि लगाई जा रही थी और जो शिष्य आनंद के जख्मों पर औषधि लगा रहा था उसने पूछा, भ्राता क्षमा करें गुरुजी, आप क्या सोच रहे हैं? और फिर आनंद ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ विशालकाय सेना फिर से आती होगी, उसे कैसे हराना है, अपने गुरुकुल को कैसे बचाना है, यही सब सोच रहा हूँ। और फिर उस शिष्य ने कहा, आप चिंता ना करें, हमारी आखिरी सांस तक इस गुरुकुल को आंच भी नहीं आएगी। और फिर आनंद ने पूछा, कुछ पता है तुम्हें ये कौन है जिसने पूरे राज्य पर ही कब्जा कर लिया है? और फिर उस शिष्य ने कहा, पता नहीं गुरुजी, बस सुनने में आया है कि कोई बहुत ही ताकतवर राजा है जो कि पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है, उसने अपना साम्राज्य बहुत बड़ा कर लिया है और उसके साम्राज्य के साथ साथ उसकी ताकत भी बढ़ती गई है, उसके पास बहुत ही ज़्यादा विशालकाय सेना है, पूरे राज्य में सिर्फ हम ही बचे हैं जो कि आज़ाद हैं, वरना हर चीज़ उसने अपने कब्जे में ले ली है। और फिर आनंद ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, गुरुजी कैसे हैं? और फिर उस शिष्य ने कहा, गुरुजी अभी ध्यान में बैठे हुए हैं, उन्होंने अभी दवाई खाई है। तभी वहाँ पर एक शिष्य भागता हुआ आया और उसने कहा, सब एकत्रित हो जाओ, विशालकाय सेना फिर से आ रही है। जैसे ही ये बात आनंद ने सुनी तो वो खड़ा हो गया और सारे जितने भी शिष्य थे वो सब खड़े हो गए। वो जितने भी शिष्य थे हर कोई घायल था, लेकिन लड़ने के लिए फिर से वो सब तैयार हो गए थे। सारे शिष्य धीरे धीरे करके गुरुकुल के बाहर जा रहे थे और हर कोई इकट्ठा हो रहा था। आनंद भी अपने हथियार लेकर बाहर जा ही रहा था तभी उसे आवाज़ आई, आनंद, बेटा आनंद। और फिर आनंद ने पीछे देखा तो उसके गुरुजी खड़े थे। और फिर आनंद ने कहा, बोलिए गुरुजी। और फिर गुरुजी ने कहा, कुछ नहीं, बस ये लो, ज़रा ज़रा नीचे झुको। और फिर आनंद ने अपना सर नीचे झुकाया और उसके बाद वो जो गुरुजी थे उन्होंने आनंद के गले में एक लॉकेट डाला और कहा, ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे, जाओ। आनंद ने देखा कि उसके गले में एक हनुमान जी का लॉकेट था और उसके बाद आनंद ने बिना कोई समय व्यर्थ किए युद्ध क्षेत्र में जाने का फैसला किया। वो गुरुकुल से बाहर निकला और उसने देखा कि विशालकाय सेना जो थी वो गुरुकुल के सामने खड़ी थी और वहीं हाथी पर बैठा हुआ राजा गुरुकुल की तरफ निहार रहा था। सारे शिष्य उस विशालकाय सेना के सामने खड़े थे और आनंद भी सबसे आगे आकर खड़ा हो गया। उस राजा ने कहा, तो तुम हो जिसने मेरे सेनापति को मौत के घाट उतार दिया, क्या यही है वो? और फिर पीछे खड़े सैनिकों ने कहा, जी जी यही है। और फिर उस राजा ने कहा, बताओ यार, तुम इन बच्चों से हार गए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कोई कहेगा कि तुमने इतने बड़े साम्राज्य के युद्ध में लड़ाई करी है जब तुम बच्चों से ही हार गए? खैर कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ, देखते हैं कितना दम है। वो राजा हाथी से उतरा और उसने आनंद की तरफ कदम बढ़ाए। वो गुरुकुल के जितने भी शिष्य थे वो आगे बढ़ने लगे, लेकिन आनंद ने कहा, रुक जाओ, कोई भी आक्रमण नहीं करेगा। वो राजा और आनंद दोनों आमने सामने आ गए और उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। और फिर उस राजा ने कहा, घायल हो
फिर भी लड़ने के लिए आ गए, तुम्हारी हिम्मत की दांत देनी पड़ेगी। और फिर आनंद ने कहा, घायल जरूर हूं लेकिन अपने गुरुकुल की रक्षा करने के लिए, अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। इसके जवाब में उस राजा ने कहा, बहुत खूब, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे आनंद। और जब ये बात आनंद ने सुनी तब उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? और जिसके जवाब में उस राजा ने कहा, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, मेरी नहीं। याद है मुझे इस गुरुकुल से भगा दिया गया था रात के वक्त। हाँ, हम दोनों तो पक्के दोस्त हुआ करते थे ना आनंद। और फिर आनंद ने उस राजा के चेहरे को ध्यान से देखा और फिर आनंद ने कहा, प्रभास, क्या ये तुम हो? जिसके जवाब में उस राजा ने कहा, हाँ मेरे दोस्त आनंद, मैं ही हूँ। चलो अच्छा हुआ तुमने पहचान लिया, वरना मुझे तो लगा था कि तुम मुझे पहचानोगे ही नहीं। पूरे 10 साल मैं इंतज़ार करता रहा इस वक्त का, जब मैं अपने अपमान का बदला पूरे गुरुकुल से लूँगा। और आखिरकार वो वक्त आ ही गया। और फिर आनंद ने कहा, तुम इतने बुरे बन जाओगे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम अपने ही गुरुकुल पर हमला करोगे। और फिर प्रभास ने कहा, हाँ, और तुमने, तुम सभी ने मिलकर मुझे जो गुरुकुल से भगा दिया, उसका क्या? पता है कितने दिनों तक मैं भूखा प्यासा इस जंगल में भटकता रहा, और भूख प्यास से ज़्यादा मुझे गुरु जी के शब्दों ने चोट पहुंचाई। मेरे दिल पर काफ़ी गहरे जख्म हुए उनके शब्दों से, लेकिन आज मैं सारे जख्मों का हिसाब ज़रूर लूँगा। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। और तुम्हें ही नहीं बल्कि ये जितने भी शिष्य खड़े हैं सबको मौका देता हूँ, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुँचाऊँगा। अपने राज्य में तुम्हें मैं खुशी खुशी रहने का मौका दूंगा, तुम्हें घर खाना हर चीज़ मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरे मार्ग से हट जाओ और इस गुरुकुल को मुझे तबाह करने दो। और फिर आनंद ने कहा, दोस्ती में अगर तुम मेरी जान मांग लेते तो मैं खुशी खुशी देता प्रभास, लेकिन तुमने जो चीज़ मांगी है वो मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता। और फिर प्रभास ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरी इतनी विशालकाय सेना है और तुम ये गिनती के सेना को भेजना व्यर्थ है। मुझे पता होता कि तुम सिर्फ इतने से हो तो मैं अकेला ही आ जाता। खैर कोई बात नहीं, इन मासूम बच्चों को मैं मारना नहीं चाहता। एक काम करते हैं, तुम और मैं युद्ध करेंगे, जो आखिर में बचा वही विजेता होगा। अगर मैं जीता तो मेरी सेना पूरे गुरुकुल को तबाह कर देगी, और अगर तुम जीते तो मैं इस गुरुकुल को ऐसे का ऐसा ही छोड़कर चला जाऊंगा और कभी भी इस वन में कदम भी नहीं रखूंगा। मंजूर है? और फिर आनंद ने कहा, मंजूर है। वो दोनों एक दूसरे के सामने आ गए और फिर उन्होंने अपने हथियार निकाले, उन्होंने आपस में युद्ध करना शुरू कर दिया। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे और वो दोनों काफ़ी अच्छा युद्ध लड़ रहे थे। कई घंटों तक वो युद्ध चलता रहा, कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे काफ़ी लंबा युद्ध चलने के बाद पूरी रात ख़त्म होने वाली थी। सुबह के तकरीबन 4 बज गए थे। पूरी रात वो दोनों युद्ध कर रहे थे और आखिर में थक हार कर प्रभास ने कहा, अब बस बहुत हुआ। प्रभास अपनी पूरी ताकत के साथ आनंद पर हमला करने लगा और आनंद भी अपना बचाव करते हुए युद्ध लड़ रहा था। गुरुकुल के जितने भी शिष्य थे सब हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन शरीर पर गहरे जख्मों की वजह से आनंद धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा।
और प्रभास आनंद पर भारी पड़ने लगा। आनंद के जो शरीर पर जख्म थे, युद्ध लड़ते लड़ते उनसे फिर से खून बहने लगा था। वहीं दूसरी तरफ प्रभास, उसे कोई भी जख्म नहीं लगा था और वो थोड़ा बहुत ही थका था। उन दोनों के बीच युद्ध चलता रहा और आखिरकार थक हार कर आनंद चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। और उसके बाद प्रभास ने कहा, मैंने कहा था दोस्त तुम पीछे हट जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं दूंगा, एक झटके में ही तुम्हारी गर्दन अलग कर दूंगा, तुम्हें एक आसान मौत मिलेगी। प्रभास ने अपनी तलवार से आनंद पर वार किया, लेकिन उससे पहले ही वहां जो हुआ उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अचानक से आनंद के सामने गुरुजी आ गए और वो जो वार था वो गुरुजी के ऊपर लग गया, जिसकी वजह से गुरुजी काफी ज्यादा घायल हो गए। जितने भी शिष्य थे वो सेना की तरफ टूट पड़े और प्रभास सेना के साथ मिलकर उन शिष्यों से लड़ने लगा। आनंद ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपने क्या किया, ये आप क्यों हैं बीच में, आपको नहीं आना चाहिए था, ये क्या हो गया आप। और फिर वो जो गुरुजी थे उन्होंने कहा, मेरी आयु पूर्ण हो गई है, अब सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है ना कि मेरा। गुरुकुल का भविष्य तुम हो, मैं उसका भूतकाल हूं जो कि अब बीत चुका है, तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है क्योंकि तुम ही हो जो इस गुरुकुल को बचा सकते हो। मैंने जो तुम्हें लॉकेट दिया है उसे हमेशा संभाल कर रखना, कभी अपने से अलग मत करना, वो लॉकेट हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। आनंद फूट फूट कर रो रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो गया। तभी वो जो गुरुजी थे उन्होंने कहा, सब मेरी बातें ध्यान से सुनो, तुम सभी जितने भी हो तुम सभी अपने प्राणों की आहुति दे देना, लेकिन आनंद जिंदा बचना चाहिए। जैसे ही ये बात सारे शिष्यों ने सुनी तो सबने नम आंखों से हाँ कहा। वो सेना बहुत ही ज्यादा विशालकाय थी और वो धीरे धीरे सारे शिष्यों को मौत के घाट उतारने लगी। उस गुरुकुल का हर शिष्य अपने प्राणों की आहुति दे रहा था। आनंद के सामने ही उससे छोटे छोटे बच्चे अपनी जान गंवा रहे थे और वो भी सिर्फ गुरुकुल के लिए, ताकि गुरुकुल बच पाए। प्रभास और उसकी सेना सारे शिष्यों को मौत के घाट उतार रही थी और तभी एक शिष्य ने चिल्लाते हुए कहा, भ्राता भाग जाइए यहां से, अभी आप नहीं जीत पाएंगे, हम इन्हें यहीं पर रोक कर रखेंगे, आप अपनी जान बचाइए, आप ही हमारे गुरुकुल का भविष्य हैं, भागिए यहां से। आनंद को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, क्या वो सबको छोड़कर वहां से भाग जाए। तभी एक दूसरे शिष्य ने कहा, भ्राता आप समझने की कोशिश करिए, हम अगर मारे गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप मारे गए तो हमारे गुरुकुल का भविष्य खत्म हो जाएगा, हमारी जान से ज्यादा आपकी जान जरूरी है, आप भाग जाइए, हम भीख मांगते हैं आपसे, अभी हमारा जीतना नामुमकिन है। हर कोई आनंद से यही बात कह रहा था और आखिरकार आंखों में आंसू लिए आनंद वहां से भाग गया। वो जंगल में लंगड़ाता हुआ जैसे तैसे वहां से भागा और तभी उसे चिल्लाने की आवाज आई, हमारे गुरुकुल को सिर्फ आप ही बचा सकते हैं भ्राता, हमें निराश मत करिएगा। गुरुकुल के जितने भी शिष्य थे सबकी मौत हो चुकी थी
और वही आनंद अपनी जान बचाकर जंगल से दूर भागने के लिए एक नदी में कूद गया था। प्रभास ने कई सारे सैनिकों को आनंद के पीछे भेजा, लेकिन वो सारे सैनिक आनंद का कोई पता नहीं लगा पाए कि आखिर आनंद कहाँ गया। और फिर वो सब निराश होकर प्रभास के पास वापस पहुंचे। प्रभास ने पूछा, वो मिला तुम में से किसी को? जिसके जवाब में उन सैनिकों ने कहा, नहीं महाराज, हमने चारों जगह अच्छी तरह से देख लिया, वो हमें कहीं नहीं मिला। और फिर प्रभास ने गुस्से में कहा, तुम सब किसी काम के नहीं हो, इतने मिलकर एक एक इंसान को नहीं ढूंढ सके। खैर, इस गुरुकुल में आग लगा दो। प्रभास के सैनिकों ने पूरे गुरुकुल में आग लगा दी और प्रभास ने पूरी सेना को वापस राजमहल भेज दिया और कहा, तुम अब सभी जाओ, तुम सब जाओ, मैं बाद में आता हूँ। एक सैनिक ने पूछा, महाराज आप अकेले यहाँ क्या करेंगे? हमने आपके कहने पर पूरे गुरुकुल को आग लगा दिया, लेकिन अब क्या काम बच रहा है यहाँ पर? और फिर प्रभास ने कहा, मैंने जितना कहा उतना करो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, समझे? और मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे यहाँ क्या करना है, जाओ यहाँ से। जितने भी सैनिक थे वो सब वहाँ से चले गए और प्रभास अकेला वहाँ पर गया जहाँ पर कई सालों पहले अंधकासुर को कैद किया गया था। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचा तो उसने एक आवाज़ सुनी, आ गया मेरा बच्चा, मुझे पता था आज नहीं तो कल तुम जरूर आओगे मेरी मदद करने। तुम्हें शक्तियां देने का जो मेरा फैसला था वो बिल्कुल सही निकला। और फिर प्रभास ने कहा, हाँ मैं आ गया हूँ और अब आपको ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आप कुछ ही देर में आज़ाद होंगे। और फिर उस आवाज़ ने कहा, हाँ, जल्दी करो, हजारों सालों से अंदर कैद हूँ, तड़प रहा हूँ बाहर आने के लिए, जल्दी करो। प्रभास ने उस ज़मीन को खोदना शुरू किया और वो ज़मीन को खोदता गया और काफ़ी देर खोदने के बाद वो जो ताला था वो ताला उसके हाथ में आ गया और उसने एक बड़े पत्थर से उस ताले पर वार करना शुरू किया। जैसे जैसे वो उस ताले पर वार कर रहा था आसमान में बिजली चमक रही थी और जैसे ही वो ताला टूटा बारिश होने लगी और उसके बाद प्रभास ने उस दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही उसने उस दरवाजे को खोला अंदर से एक काली सी परछाई निकली और वो चिल्लाने लगी, आ गया, मैं बाहर आ गया, इतने सालों से मैं अंदर था, आ गया। और फिर प्रभास ने कहा, हाँ मैंने तुम्हें बाहर निकाल दिया, अब हर जगह सिर्फ हमारा ही राज होगा। तभी उस अंधकासुर ने कहा, हाँ सही कहा, राज तो होगा, हर जगह होगा, लेकिन हमारा नहीं, सिर्फ मेरा। जैसे ही ये बात प्रभास ने सुनी तब उसने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने तुम्हें आज़ाद किया है और तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा तो हम पूरी दुनिया पर मिलकर राज करेंगे। और फिर उस काली सी परछाई ने कहा, अरे 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 माफ करना, मैंने झूठ बोला था, राज तो सिर्फ मैं अकेला ही करूँगा, तुम्हारी ज़रूरत अब नहीं है, लेकिन तुम्हारा शरीर मेरे काम आएगा। ओ।
और जैसे ही प्रभास ने ये बात सुनी तब वो चिल्ला पड़ा और वो काली सी जो परछाई थी वो प्रभास के अंदर घुस गई और उस काली सी परछाई ने प्रभास के शरीर पर कब्जा कर लिया। तो ये था सीरीज़ का पार्ट 2। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अगर आपको पार्ट 3 जो है वो जल्दी चाहिए तो कमेंट ज़रूर से करें, मैं जल्द से जल्द पार्ट 3 लेकर आ जाऊँगा। और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको सीरीज़ कैसी लग रही है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।